बोलो क्या समाधान चाहते हैं आप? जी, कैरियर उज्जवल होगा, सरकारी जॉब का योग आपके में नहीं है, पिता बहुत क्लेश करते हैं, मदरा पान करते हैं, मदरा पीते हैं, बहुत उपद्रव मचाते हैं, घर में उन्नति होगी, आप तैयारी तेज कर दें, मन अस्थिर है आपका, मन अस्थिर है, चूंकि बार बार असफलता मिलने के कारण मन अस्थिर है, लेकिन आपका जो सपना है वो सपना पुलिस योग वाला नहीं बन पा रहा है, चूंकि तैयारी में आप बिल्कुल शून्य आ गई हैं, आप पुनः प्रयत्न करें, आगे की तैयारी करें। अब आप पूछेंगे कि हम क्या तैयारी करें, उसका उत्तर हम दे रहे हैं। राम, और तुम्हें चाहिए सरकारी, तो तुम्हें पुलिस में ही बनना है, अभी एक चांस तो है, दो बार असफल हो गई हैं, दो बार आप असफल हो गई हैं। हनुमान जी का नाम लेके आज से ही शुरू करो, आज्ञा है, कुछ बात हमने बिना माइक के और बिना बोले। ठीक बहना, तैयारी तेज करो बिटिया, जाओ सफल हो जाओ, आशीर्वाद। राम मेरी बेटा खुश रहो। साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, राम ना आ जाओ, बोलो क्या समाधान चाहिए? क्या चाहते हैं? कैसे संभव है बताओ? उनका हमने बहुत रास्ता निकाला पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, गोद का लग रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता। हाँ, हमने वही, हमने जो देखा, हमने ये देखा, आपने जो अर्जी लगाई, शायद हम गलत हों, आप हमें टोक सकते हैं, पहले हमने लगाई आपकी बालाजी की भक्ति बढ़े, माता पिता परिवार को लेकर बहुत चिंतित हैं, माता पिता का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है घर में, बेटियां थीं, बेटियों की शादी हो चुकी है, उनके लिए आपने अर्जी लगाई है, तो उनका जीवन का क्या होगा? Am I right? हाँ, इसका उत्तर दिया कि गोद लेना पड़ेगा लाला को, बालक, तो उनके जीवन में कुछ हो सकता है, बाकी जिस अवस्था में वो हैं उस अवस्था में संतान योग नहीं बन पा रहा है, इसलिए उनको गोद लेना चाहिए और गोद सफलता होगी, निश्चित रूप से वह जो है बालक सेवा भी करेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। क्या यही प्रश्न था? एकदम उत्तर सही। आप कुछ अपने बारे में पूछेंगे? अच्छा, एक मिनट, आप कितनी बहनें थीं साथ? सबकी शादी हो चुकी? पिता बीमार भी रहते हैं, उन्हीं के कारण तो अर्जी लगी, वो भी बहुत भक्त हैं, बहुत, तुम्हारा छोटा बेटा हनुमान जी का और हमारा बहुत पगला है, हाँ, और पति पर भी खूब कृपा हो, खूब भक्ति करें वो, बीच बीच में जरूर उनका मन विचलित हो जाता है, लेकिन वो भी बागेश्वर हनुमान जी के बहुत भावक हैं, और आप अपने छोटे बालक को लेकर धाम जरूर दर्शन कराने ले वालन, हम उसको मिलेंगे, आप बच्चों को दोनों को ही लेकर आइए, पिताजी को भभूति लेकर जाइएगा, और हम आपको, हम आप हमें 3 माह का समय दें पेशियों में, हम इसके बीच का एक रास्ता हमारी समझ में आया है, उस रास्ते को हम करते हैं प्रयोग, हनुमान जी ने चाहा तो वो बेटा जैसे ही एक जगह रह सकते हैं आपकी बहनों में ही, समझ गई?
एक दो दो जगह हमने देख ली हैं, आपकी जो छोटी बहनें हैं उनको देख लिया है, उनका मन भी है, उनका मन भी है और दामाद का भी मन है, तो उस पर हमने उपाय निकाल लिया है। लेकिन आप हमें अभी 3 माह का टाइम दें ताकि ये किसी पे बोझ ना बने, क्योंकि आपके माता पिता सम्मान के बहुत भूखे हैं, है ना, पूरा जीवन उन्होंने सम्मान में गुजारा है, अब बहुत सम्मान के भूखे हैं, तो वो किसी भी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन हम उन्हें रास्ता देंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी दया करेंगे, रास्ता निकलेगा, आपके माता पिता का जीवन मंगलमय होगा और मात्र 7 से 11 महीने के अंदर हम इस समस्या का समाधान निकलवा करके देंगे। जाओ आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। क्या बात, एकदम सही बातें, एकदम सही, कोई संदेह? ये पर्चा मंत्र राम साधु जी, अरे पागलो,